उसके बाद डिफरेंट डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज हैं, जिसमें सबसे पहले है सेशन। सेशन कम्युनिकेशन डायलॉग बिटवीन नेटवर्क यूजर्स और एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस कंप्यूटर्स या यूजर्स के दरमियान आपस में कम्युनिकेशन का टाइम होता है, उसको हम कहते हैं सेशन। उसके बाद नेटवर्क। नेटवर्क क्या है जी? इंटरकनेक्टेड ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, आपस में जो कनेक्ट हुए कंप्यूटर्स हैं, ग्रुप ये कंप्यूटर्स हैं या ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स हैं, उनको हम कहेंगे नेटवर्क। अब ये सिर्फ कंप्यूटर्स नहीं हो सकते, प्रिंटर्स इसमें हो सकते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस हो सकती हैं, जितनी भी डिवाइसेस जो एक नेटवर्क का हिस्सा बन सकती हैं उनको जब हम जोड़ेंगे तो उसको हम वो हम कहलाएगा हमारा नेटवर्क। उसके बाद नोड, अ नेटवर्क अटैच डिवाइस, एक फुल फ्लैज नेटवर्क के साथ जो डिवाइस अटैच हुई है उसको हम कहेंगे अ सिंगल नोड। उसके बाद लिंक, कनेक्ट एडजेसेंट नोड जो साथ साथ हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फ़ोन है, हमने कंप्यूटर के साथ अटैच करना है तो हम क्या लगाते हैं? डेटा केबल लगाते हैं। जो डेटा केबल लगाने के लिए जो डेटा केबल जो है वो हमारा लिंक है, वो हमारा लिंक क्रिएट करिए, ये एक सिंगल लिंक है। उसके बाद पाथ, एंड टू एंड रूट, एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा? पहले अपने जैज़, टेलनर, जो भी इसमें मैंने सिम डाली हुई है उस सिम पे पैकेज लगाऊंगा। दैट मीन्स कि मैं पहले उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होऊंगा, पहले मैं जैज के साथ या टेलनार के साथ कनेक्ट होऊंगा, उस टेलनार से वापस फिर मैं लोकल सॉरी ग्लोबल नेटवर्क के साथ जो है वो कनेक्ट होऊंगा, ये मेरा पाथ होगा। तो इस तरह से आपने किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना तो उसके साथ कनेक्ट होने के लिए आपका कंप्लीट एक पाथ होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट करनी है तो यूनिवर्सिटी का एक अलग एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क के साथ आप लिंक होना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप पहले अपना नेटवर्क चूज करेंगे कि मेरा नेटवर्क क्या है। अब उस नेटवर्क के जरिए फिर आप उस नेटवर्क तक जाएंगे जो यूनिवर्सिटी यूज़ कर रही है, तो उसके साथ आप लिंक हो जाएंगे। उसके बाद सर्किट, द कंडक्ट ओवर विच डाटा ट्रेवल्स। डेफिनेटली ये जो हमारा पाथ बना है वो पाथ का एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी जिसको हम सर्किट कहेंगे, जिस पर हमारा डाटा मूव होगा। उसके बाद पैकेटाइजिंग, जब हम मैसेज बनाते हैं तो मैसेज जो है एज इट इज आप सेंड नहीं कर सकते, आपको फिक्स्ड या वेरिएबल लेंथ के पैकेट्स बनाने पड़ते हैं। उन पैकेट्स मतलब शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में उनको कन्वर्ट करना पड़ता है, आपको डिवाइड करना पड़ता है आपके पूरे मीडिया को, तो फिर ही वो नेटवर्क पे स्प्रेड किया जा सकता है, अदरवाइज उसको स्प्रेड करना मुश्किल होता है। अगर हम स्प्रेड वैसे करेंगे तो हमारा डाटा जो है वो ज़ाया भी हो सकता है, तो इसके लिए हम जो है पैकेटाइजिंग यूज़ करते हैं। उसके बाद राउटिंग, पैकेटाइजिंग के बाद हमने डेटा सेंड करना होता है, सेंड करने के लिए एक मैसेज को एक रास्ता चूज करते हुए सेंडर से रिसीवर की तरफ हम पहुंचाते हैं, तो इस अमल को हम कहते हैं राउटिंग। उसके बाद नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइस, नेटवर्क की डेफिनेशन है सेट ऑफ डिवाइस कनेक्टेड बाय द कम्युनिकेशन लिंक। नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस को बेसिकली अगर हम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दें तो दैट होल कॉल्ड एज नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क सेंड देयर नीड पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन नॉट यूजली प्रैक्टिकल। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन जो है वो बहुत कम अब हो गई है। प्रैक्टिकल से मुराद ये है कि हम मोस्टली जो है ऑर्गेनाइजेशन में हम बात करते हैं, जब तो हम कंप्यूटर को अटैच करते हैं, सिर्फ मोबाइल के साथ अटैच करना जो, इसको हम नेटवर्क नहीं कहते हैं। बेसिकली जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो बहुत सारे डिवाइसेस कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने का नाम जो है वो नेटवर्क है। डिवाइसेज जो है वो बहुत दूर दूर पड़ी होनी चाहिए। अगर हम नेटवर्क की बात करें, लार्ज सेट ऑफ डिवाइसेज वुड नीड इन प्रैक्टिकल नंबर ऑफ कनेक्शन। जब हमारे पास बहुत सारी डिवाइसेज होंगी तो उसकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी और हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ कनेक्शन भी इंक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद नेटवर्क सेंटर नीड सोल्यूशन इज टू कनेक्ट ऑल डिवाइसेज टू अ सेंट्रल। अगर हमने इस बात का हल निकालना है कि हम क्या करें कि मोस्टली डिवाइसेस अगर हम कनेक्ट करते जाएंगे, मैंने अपनी डिवाइस के साथ 10 कंप्यूटर अटैच कर दिए तो वो P2P है, मतलब जो मेरे पास मेरे कंप्यूटर के साथ किसी और का कंप्यूटर अटैच है उसके साथ किसी और का है, तो इस तरह के नेटवर्क को चलाने के लिए अगर मेरा कंप्यूटर बंद हो जाता है तो सारे के सारे कंप्यूटर ही बंद हो जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है हमारे पास ये होगा कि हम जो है वो मेन जो है वो मोस्टली यूज्ड क्लासेस नेटवर्क लैंस यूज़ करेंगे। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क, ये हमें पता है। उसके बाद मेन जो मकसद है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क को इस्तेमाल करने का वो है जी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। इंस्टेड ऑफ अ सिंगल लार्ज मशीन,
बींग रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोसेस। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो एक मशीन है, मेरा कंप्यूटर है, उसकी प्रोसेसिंग पावर इतनी नहीं है कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चला लूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस को अटैच करके, आपस में कनेक्ट करके, उनकी प्रोसेसिंग, उनकी स्टोरेज, उन पे इंस्टॉल हुई एप्लीकेशंस को हम जो है वो यूज़ कर सकेंगे। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत है।